किन अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो इस वाली वीडियो में आज हम कवर करेंगे लाइक ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए कि अगर ये प्रॉपर्टी शो होगी तो ये एसिड होगा अगर ये प्रॉपर्टी शो होगी तो ये बेस होगा इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए ऐसे छः कॉन्सेप्ट को हमें इस वीडियो में कवर करना है सो लेट स्टार्ट विद अ वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज गिव इट अ लाइक एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल सो लेट स्टार्ट सो अगर हम एसिड्स की बात करें बेसिस की बात करें तो ये हम क्लास सिक्स सेवन से इनका बेसिक्स स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर जो आपकी बुक में डेफिनेशन आती है दैट इज लाइक जो सब्सटैंस का जो टेस्ट होता है वो शोर होता है उनको हम एसिड्स बोलते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है उनको हम बेसिस बोलते हैं फिर जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन ये आती है कि जो एसिड्स होते हैं धो स्टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड जो बेसिस होते हैं धोस्टर्न रेड लिटमस ब्लू सो ये अलग अलग डेफिनेशनस आती रहती हैं फिर और अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय आर्नियस दैट इज आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस सो आर्नियस ने ये कहा कि हम एसिड्स उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयंस को जनरेट करें फॉर एग्जांपल एच जैसे एच वाटर में डिसोसिएट होने के बाद एच प्लस एनसीएल माइनस आयंस जनरेट करता है तो so, जो एच प्लस आयंस है वो एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसी तरह से एच एन ओ थ्री वो भी वाटर में डिसोसिएट होने के बाद एच प्लस प्लस एन थ्री माइनस आस जनरेट करता है सो so, क्योंकि उसने एच प्लस डिसोसिएशन के बाद दैट मीन्स वो भी एक एसिड है इसी तरह से सी एच थ्री सी ओ एच जो होता है एसिटिक एसिड वो भी सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस जनरेट करता है सो इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज एन एसिड अगर हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स की बात करें कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा एच प्लस ऐसे प्रेजेंट होते हैं प्रोटोन जो डिसोसिएट हो सकते हैं वाटर में ठीक है जैसे एच टीसो फोर की बात करें तो क्योंकि ये डाइप्रोटिक एसिड है सो so ये वाटर में डिसोसिएट होने के बाद दो एच प्लस आइंस जनरेट करता है इन द फर्स्ट स्टेप इट जनरेट्स एच प्लस प्लस एच एसो फोर माइनस एंड देन एच एस ओ फोर माइनस का फर्दर जब डिसोसिएशन होता है देन वी गेट एच प्लस प्लस एस फोर टू माइनस सो पॉलीप्रोटिक एसिड्स भी अकॉर्डिंगली डिसोसिएट एच प्लस आइंस प्रोड्यूस करते हैं अगर अरीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बेसिस को डिफाइन करें तो वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि ओ एच माइनस आयन जनरेट करते हैं उनको हम बेसिस की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे एन ए ओ एच हो गया के ओ एच हो गया ये सब जैसे एन ओ एच वाटर में डिसोसिएट होने, +OH OH होने के बाद एन ए प्लस ओ एच माइनस देता है एन एच फोर ओ एच डिसोसिएट होने के बाद एन एच फोर प्लस ओ एच माइनस देता है इसी तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं सो बेसिकली आरिनियस के अकॉर्डिंग जो बेसिस हैं वो ओ एच माइनस देते हैं वाटर में एंड जो एसिड्स हैं वो एच प्लस आयंस देते हैं वाटर में ठीक है जी अब किसी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है वो कितने अच्छे से आयनाइज हो सकता है एच प्लस या ओ OH एच माइनस आयंस में अगर हम एसिड्स की बात करें जो एच सी एल है एच एन ओ थ्री है एच टू एस ओ फोर है ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं एक्वा सोल्यूशन में इसीलिए इनको एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्लासीफाई किया जाता है जबकि जो सी एच थ्री सी ओ एच है एच सी एन है ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते वाटर में एक्वा सोल्यूशन में सो so, इनको हम ऐज वीक एसिड्स क्लासीफाई कर सकते हैं सो एलिनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हमें स्ट्रेंथ क्लासीफाई करनी है किसी एसिड या बेस की तो वो इस बेसिस पे ही होगा कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है

एसिड हम उसी को बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो बेस हम उसी को बोलेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो बट एन एच थ्री जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता वो तो एक बहुत अच्छा बेस होता है ऐसा कैसे हुआ सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है ये तो प्रोटोन देता ही नहीं है है ना डिसोसिएशन होने पे, फिर भी एसिडिक नेचर शो करता है ऐसा क्यों वो आदिअस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो ये भी नहीं बता पाया अगर हम एक्वा सॉल्यूशन यानी कि उसने सिर्फ वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा उसकी बात की अगर हम कोई और सॉल्यूशन ले लें लाइक लिक्विड अमोनिया ले लें अल्कोहल ले लें तो उसमें कैसे होगा डिसोसिएशन उसकी भी आर इन इस कॉन्सेप्ट ने कोई बात नहीं की ठीक है जी सो so, ये इसका लिमिटेशंस थी ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड हम उसको बोलेंगे जो एक प्रोटोन को डोनेट करेगा एंड बेस हम उसको बोलेंगे जो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है सो बेसिकली जो आलवियस का कॉन्सेप्ट था उसी को मॉडिफाई किया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने एसिड का कॉन्सेप्ट तो सेम रखा कि जो एक प्रोटोन को डोनेट कर सकता है एंड बेस वो जो एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है सो so, एग्जाम्पल अगर हम देखें एच और एन एच थ्री का तो so जब एच और एन रिएक्ट करते हैं सो बेसिकली एन जो कि बेस है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करके एन प्लस बना लेता है एंड एच जो कि एक एसिड की तरह वर्क करता है वो एच प्लस डोनेट कर देता है अमोनिया को एंड सी माइनस फॉर्म करता है

यहाँ पे वाटर बेस की तरह काम कर रहा है उसने H प्लस को एक्सेप्ट किया और एच थ्री ओ प्लस बना लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल में एन एच फो प्लस एच टू ओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं एच थ्री ओ प्लस प्लस एन एच थ्री सो यहाँ पे जो एन एच फो प्लस है वो एसिड की तरह काम कर रहा है प्रोटोन दे देगा और स्टेबलाइज हो जाएगा एन एच थ्री में एंड एच टू ओ प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा बेस की तरह काम करके और एच थ्री ओ प्लस बना लेगा ठीक है जी अच्छा अब एक टर्म होती है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्रोटोन डोनर और प्रोटोन एक्सेप्टर दोनों का ही काम कर सकते हैं उनको हम एम्फोटरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं जैसे वाटर अगर आप वाटर का एग्जांपल देखें तो वो कुछ रिएक्शन में बेस की तरह काम करता है एंड कुछ रिएक्शन में एसिड की तरह काम करता है जैसे जब एच के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो एच एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी प्रेजेंस में वाटर बेस की तरह काम करता है एंड प्रोटोन को एक्सेप्ट करके एच थ्री ओ प्लस बनाता है प्लस सीएल माइनस का फॉर्मेशन होता है जबकि अगर उसी का रिएक्शन हम एनएस थ्री के साथ कराएं तो एनएस थ्री एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी प्रेजेंस में वाटर एसिड की तरह काम करता है और प्रोटोन को डोनेट करके ओ एच माइनस बना लेता है और यही प्रोटोन एनएस थ्री के पास जाके एनएच फो प्लस बना लेता है सो दिस शोज कि वाटर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है एसिड और बेस इसीलिए उसको हम एम्फोटरिक इन नेचर बोलते हैं अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का मतलब क्या है जब एक एसिड ने अपना प्रोटोन डोनेट कर दिया तो वो बेस बन जाता है एंड जब एक बेस ने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया तो वो एसिड बन जाता है जो उसकी वजह से फॉर्म हुआ उसको हम उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं एच सी एल प्लस एन एच थ्री गेवस एनएच फोर प्लस प्लस सी एल माइनस तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है एच सी एल एसिड की तरह काम कर रहा है और अपना प्रोटोन उसने डोनेट कर दिया एंड बेस बना लिया सी एल माइनस अब एच सी एल में से जब एच प्लस निकल गया तो जो बना वो था सी एल माइनस और वो बेस की तरह काम करेगा तो ये सी एल माइनस एच सी एल का कॉन्जुगेट बेस है इसी तरह से जो हमारे यहाँ पे बेस है एन थ्री वो जब प्रोटोन को एक्सेप्ट करके एन फोर प्लस बना लेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा यही एन फोर प्लस क्या है एन थ्री का कॉन्जुगेट एसिड है सो so, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल एच सी एल एन सी एल माइनस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिमिलरली एन थ्री एंड एन फोर प्लस इज कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर इस तरह से आप किसी भी एसिड या बेस के लिए उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू बता सकते हो कि उसका कॉन्जुगेट क्या होगा ठीक है नाउ कुछ और एग्जांपल देखते हैं इन्हीं कॉन्जुगेट एसिड बेस का फर्स्ट एग्जांपल देखो एच एन ओ थ्री प्लस एच टू ओ गिवस तो यहाँ पे एच एसिड की तरह काम कर रहा है वाटर बेस की तरह वाटर ने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया एच थ्री एसिड बना लिया और एच एसिड ने प्रोटोन दे के बेस बना लिया सेकेंड रिएक्शन एच टू gives ओ फोर प्लस एच टू ओ गि एच थ्री ओ प्लस प्लस एच एस ओ फोर माइनस सो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसने प्रोटोन डोनेट करके एच एस ओ फोर माइनस बेस बना लिया और जो वाटर है उसने बेस की तरह एक्ट किया और प्रोटोन एक्सेप्ट करके एच थ्री ओ प्लस एसिड बना लिया सिमिलरली इसी एक्शन में देखो सी एच थ्री सी ओ एच प्लस एच टू ओ एच थ्री ओ प्लस एच सी थ्री सी ओ माइनस तो यहाँ पे एसिडिक एसिड भी यही कर रहा है प्रोटोन डोनेट करके बेस बना रहा है सी एच थ्री सी ओ माइनस और वाटर यहाँ पर भी प्रोटोन एक्सेप्ट करके एसिड एच थ्री प्लस के फॉर्म में स्टेबल हो रहा है सो so, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के ठीक है अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में अगर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ समझनी है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एच सी एल प्लस एच टू ओ एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस तो इस केस में जो एच सी एल है वो एक स्ट्रांग एसिड की तरह काम करता है अब ये स्ट्रांग एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है प्रोटोन लूज करके कॉन्जुगेट बेस अब कोई भी एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो ईजिली प्रोटोन को डोनेट करके एक बेस बनाएगा एंड उस बेस के लिए वापस उस प्रोटोन को एक्सेप्ट करना उतना ईजी नहीं होगा सो so बेसिकली जितना स्ट्रांगर एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं सी एच थ्री सी ओ एच प्लस एच टू ओ गि एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एच थ्री सी ओ माइनस सो हमें पता है एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड वो जब बेस के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एज वाटर बेस की तरह प्रेजेंट है सो so, यहाँ पर जो एसिड है वो अपने कॉन्जुगेट बेस में रिड्यूस हो जाएगा एच प्लस को डोनेट करके क्या बना लेगा सी एच थ्री सी ओ ओ ओ ओ माइनस और वाटर बेस की तरह एक्ट करके प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा एंड बनाएगा एच थ्री ओ प्लस सो यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है दैट इज सी एच थ्री सी ओ माइनस क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो जो उसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है दैट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटोन सो इसके हिसाब से हम ये अप कर सकते हैं कि जो स्ट्रांग एसिड होगा उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेट एसिड और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड सो ये पॉइंट आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए याद रखना है अब अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन ये थी कि ये भी इसने देखो एनएसट्री वाला कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई एनएसट्री बेस की तरह क्यों काम कर रहा है क्योंकि वो एच प्लस आयस को एक्सेप्ट uh, कर सकता है ठीक है बट ये सी टू वाला एग्जाम्पल अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो सी ओ टू एस ओ टू है एस ओ थ्री है ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं इनके ऊपर तो कोई प्रोटोन है ही नहीं जिसको ये डोनेट कर सके ठीक है और कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस थे लाइक बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री ये भी एसिड्स की तरह बिहेव करते जबकि इनके पास भी कोई प्रोटोन नहीं है जिसको ये डोनेट कर सके सो so, इसको ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये इसकी लिमिटेशन थी इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए थर्ड कॉन्सेप्ट आया दैट इज लुएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड जो थर्ड कॉन्सेप्ट है लुएस कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं देखो बेस उसको बोला गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है एंड एसिड उसको बोला गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है फॉर एग्जांपल अमोनिया हमने पढ़ा कि वो बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इसी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनएच में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो उस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है इसीलिए वो बेस की तरह एक्ट करता है ठीक है और एसिड कौन जो इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है इसके बेसिस पे ये बोला गया कि बेस क्या है एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एसिड क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया इसी को डोनर-एक्सेप्टर रिलेशन कहा गया अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं देखो बी का जब रिएक्शन कराया गया एनएस के साथ यानी कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन देख किया गया तो देखा गया कि एक ल्यूस एसिड बेस रिएक्शन थी जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था एंड ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था इसलिए वो एसिड की तरह काम करता है और जो एन थ्री है उसके ऊपर नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है जो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सो so, वो एक बेस की तरह काम करता है सो so, यहाँ पे एक ल्यूस एसिड बेस रिएक्शन होती है एक कोर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है बिट्वीन द ल्यूएस एसिड एंड बेस सो ये हो गया कि लुएस कॉन्सेप्ट क्या था अब लुएस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लुएस एसिड्स कौन कौन हो सकते थे एंड लुएस बेसिस कौन कौन हो सकते हैं वो हमें क्लासीफाई करना है सो अगर हम लुएस एसिड्स की बात करें तो जैसे भी हमने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड्स की बात करी ठीक है जैसे बी थ्री हो गया ए एल सी एल थ्री एफ ई सी एल थ्री जिनमें सेंट्रल एटम अपना Uh, जो ऑक्टेट है उसको एक्सपैंड कर सकता है उनको हम लुएस एसिड की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं इनमें जनरली छः इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं सेकेंड कुछ केटाइंस जो हमारे सिंपल केटाइंस हैं वो भी ल्यूस एसिड की तरह काम करते हैं बट जो ये छोटे केटाइंस होते हैं जनरली वो करते हैं बड़े केटाइंस Uh, नहीं प्रेफर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना ठीक है तो वो वीक लुएस एसिड की तरह काम करते हैं जो स्मॉल टाइम्स होते हैं वो स्ट्रांग लुएस एसिड की तरह काम करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए जी प्लस आयन की छोटा सा केटायन है एच प्लस छोटा सा केटायन है ईजिली लुएस एसिड की तरह बिहेव कर लेता है एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ओके uh, एंड okay. इसमें एक और पॉइंट याद रखते हो आपके टाइम से रिलेटेड कि किसी भी के टाइम पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना अच्छा स्ट्रॉगर लुएस एसिड बनेगा जैसे अगर हम एफ ई थ्री प्लस और एफ ई टू प्लस का कंपैरिजन करें तो एफ ई थ्री प्लस विल बी अ स्ट्रॉगर लुएस एसिड नाव और कौन बिहेव कर सकता है लुएस एसिड की तरह वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल आइटम के पास वे डी ऑर्बिटल्स हो वो भी लुएस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं लाइक ए एल सी एल थ्री एस एन सी एल फोर एस आई एफ फोर दीज ऑल्सो बिहेव एस लुएस एसिड्स फॉर एग्जाम्पल ए एल सी एल थ्री एक्सीएल माइनस से अपने इसके इलेक्ट्रॉन पर इसको एक्सेप्ट करा लेता है और ए एल सी एल फोर माइनस फॉर्म में, में स्टेबल हो जाता है और इसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ये सीओ टू वाला कॉन्सेप्ट था ना जो दोनों पहले वाले कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि सीओ टू एसिडिक ऑक्साइड क्यों है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा कि वो लुएस एसिड होता है देखो ऐसे सेंट्रल एटम जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं थ्रू मल्टीपल बॉन्डिंग वो भी एसिडिक नेचर शो करते हैं वो भी लुइस एसिड होते हैं फॉर एग्जाम्पल सी ओ टू सो इसमें जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है और वो ऑक्सीजन यानी कि अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है सो so, इसको हम क्या बोल सकते हैं लुएस एसिड इसी तरह से एसओ टू भी एक अच्छा लुएस एसिड होता है सो so बेसिकली होता क्या है सी टू में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है सो so कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर वाला मोलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो वो लुएस एसिड की तरह एक्ट करेगा ठीक है ये हो गया लुएस एसिड लुएस बेस कौन होंगे जनरली वो न्यूट्रल स्पीशीज इनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हो जैसे अमोनिया अमीनस कीटोन्स ईथर्स इसके अलावा नेगेटिवली चार स्पीशीज लाइक क्लोराइड आयन साइनाइड आन हाइड्रोक्सीलाइन ये सब भी लुएस बेस की तरह बिहेव करते हैं इसके अलावा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है एल्किन्स एल्काइंस ये भी अपने पा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं कार्बोनिल की बात करें इसके पास कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है वो ये डोनेट कर सकता है ठीक है जी इस तरह से लुएस एसिड और लुएस बेस की तरह काम करते हैं सो so, ये हो गया लुएस कॉन्सेप्ट लुएस कॉन्सेप्ट की भी कुछ लिमिटेशंस थी जैसे हम एच सी एल एच टू फोर जिनको हम स्टार्टिंग के दोनों कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे उनकी तो यहाँ कहीं बात ही नहीं हुई उस कॉन्सेप्ट को तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये प्रोटोनिक एसिड्स जो होते हैं ये कैसे बनाएंगे भाई है ना ये तो कॉर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे सो so, ये कॉर्डिनेट बॉन्ड कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिस के साथ है ना और ये एक चीज और एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसमें बात की गई कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में बट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली रिएक्शन होती है वो तो स्लो होती है जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन में होती है वो तो स्लो प्रोसेस है जबकि एसिड बेस रिएक्शन कॉम फास्ट रिएक्शन के अंदर पड़ते हैं तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया सो तो ये इसकी लिमिटेशन थी सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस एसिड की तरह तब बिहेव करता है जब वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकता है एंड कोई भी सब्सटेंस बेस की तरह तब बिहेव करता है जब वो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल सी कैल्शियम ऑक्साइड ये बहुत इजीली ऑक्साइड आयन को डोनेट कर देता है एंड इसीलिए बेस की तरह काम करता है और सी ए टू प्लस प्लस ओ टू माइनस फॉर्म कर लेता है इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम एस थ्री का एग्जाम्पल देखें तो जो एस थ्री होता है वो बहुत ही इजीली ओ टू माइनस को एक्सेप्ट करके एस फोर टू माइनस बना लेता है एंड इसीलिए एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है अगर इसकी हम रिएक्शन देखें आप देख सकते हो सी ओ ओ प्लस एस आई टू कम्बाइन करके एस सी एस आई ओ थ्री बना रहे हैं यहाँ पे जो सी ए ओ है वो बेस की तरह काम कर रहा है एंड एस आई ओ टू एसिड की तरह काम कर रहा है ओके नाउ ये हो गया लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट सो लक्स लक्सलड कॉन्सेप्ट में भी एम्फोटेरिक नेचर की बात की गई कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी थे जो ऑक्साइड एंस को एक्सेप्ट भी उतने ही अच्छे से कर पा रहे थे एंड उनको लूज भी उतनी अच्छे से कर पा रहे थे फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड अल्यूमिनियम ऑक्साइड आप रिएक्शन भी देख सकते हो देखो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब जिंक ऑक्साइड ब्रेक होके जेड एंड टू प्लस प्लस ओ टू माइनस बनाता है ठीक है सो so, यहाँ पे वो बेसिक नेचर शो कर रहा है एंड जिंक ऑक्साइड ओ टू माइनस को एक्सेप्ट भी उतने ही अच्छे से कर कर एसिड की तरह बिहेव करता है जब वो जेड एन ओ टू टू माइनस यानी कि जिंक एट आयन फॉर्म करता है सो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है इसी तरह से जो अल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है वो ब्रेक होकर ए एल थ्री प्लस ओ टू माइनस बना लेता है ओ टू माइनस को डोनेट करके बेसिक नेचर शो करता है एंड जब वो ओ टू माइनस को एक्सेप्ट करके ए एल ओ टू माइनस आइन बनाता है तो वहाँ वो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज यूसेनोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें एसिड को बोला गया वो कोई ऐसा सबस्टेंस होगा जो बेस के साथ रियाड करके जनरली सॉल्ट बना रहा होगा और फिर फर्दर कैट और एनाइंस को या तो देगा या एक्सेप्ट करेगा ठीक है बेस क्या होगा एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सिमिलरली या तो एनायंस फॉर्म कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होगा या केटाइंस के साथ जुड़ रहा होगा सो so, बिल्कुल जर्नल इसने डेफिनेशन दी दे, कुछ खास इसमें बताया नहीं गया तो ये ज़्यादा एप्लीकेबल हुआ नहीं कहीं सिंपल आप रिएक्शन देख सकते हो एच सी एल प्लस एन ओ एच गिवज एन ए सी एल प्लस एच टू सिमिलरली एस ओ थ्री प्लस सी ओ यहाँ पे एस ओ थ्री एसिड की तरह बिहेव कर रहा है सी ओ बेस की तरह बिहेव कर रहा है एंड दे आर डब टू फॉर्म सी ए टू प्लस एस ओ फोर टू माइनस सो इस कॉन्सेप्ट ने कुछ खास बात बताई नहीं कुछ अलग है ना सो इट वॉज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस द लास्ट कॉन्सेप्ट इज सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट और इसको हम के डी एल सीज कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली सॉल्वेंट के बेसिस पे दिया गया है कि सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है कोई एसिड या बेस सो so, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएशन होने के बाद ठीक है या फिर सॉल्वेंट से रिएक्शन करने के बाद सॉल्वेंट के कैटायन पार्ट को इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन में सो वो एसिड की तरह काम कर रहा है एंड अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएशन होने के बाद या रिएक्शन होने के बाद सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर एनाइनिक पार्ट को जनरेट कर रहा है सॉल्वेंट के सो वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे समझ सकते हो एच जब ब्रेक होता है ठीक है वाटर डिसोसिएट होता है हमारा सॉल्वेंट तो H प्लस और OH एच माइनस जनरेट होता है सो so, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के बाद H प्लस जनरेट करेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है एंड कोई ओएच माइनस जनरेट करेगा तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्शन में देख सकते हो एच सी एल प्लस एच टू ओ गि एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस सो यहाँ पे जो एच सी एल है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्यों क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो जनरेट करता है एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस एंड जो एच थ्री ओ प्लस है वो क्या दिखा रहा है हमें सॉल्वेंट का केटाइनिक पार्ट यानी कि के केटाइनिक पार्ट में इंक्रीज हुआ सो एच सी एल क्या है एसिड की तरह ऐड कर रहा है सेकेंड रिएक्शन में देखो एन एच थ्री प्लस एच टू एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस यहाँ पे जो अमोनिया है वो जब वाटर के साथ सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म कर रहा है NH4+ फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस अब यहाँ पे ओ OH एच माइनस जनरेट हुआ दैट मीन्स कि बेसिकली जो सॉल्वेंट का एनाइनिक पार्ट था वो इंक्रीज हुआ यानी कि जो अमोनिया है वो बेस की तरह काम कर सो so, इस बेसिस पे भी आप इनको जज कर सकते हो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का सॉल्वेंट का ही देखो अगर हम एनेस्ट्री लेते हैं ठीक है एनेस्ट्री हमने लिया और हमें बताना है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है या बेसिक नेचर शो कर रहा है ठीक है सो एनेस्ट्री जब हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया एक सॉल्वेंट होता है उसको जब हम डिसोसिएट करते हैं तो वो केटायन पार्ट में एनएच प्लस जनरेट करता है और एनाइन पार्ट में एनएच माइनस जनरेट करता है सो so, अगर किसी स्पीसी से रिएक्शन के बाद लिक्विड अमोनिया में एनएच फोर प्लस के आयन इंक्रीज होंगे तो वो स्पीशीज एसिड होगी एंड अगर उसमें एनएच टू माइनस के आयन इंक्रीज होंगे तो जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं वो बेस होगा फॉर एग्जाम्पल जब हम एन एच फोर सी एल को लिक्विड अमोनिया में डिसोसिएट कराते हैं तो फॉर्म होता है एन एच फोर प्लस प्लस सी एल माइनस एन एच फोर प्लस जनरेट हुआ केटाइनिक पार्ट यानी कि एन एच फोर सी एल एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं इसी पे अगर हम के एन एच टू को ले लें लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में तो क्या जनरेट होगा के प्लस प्लस एन एच टू माइनस दैट मीन कि एन एच टू माइनस जनरेट हुआ यानी कि जो इसका नेगेटिव पार्ट था एनायनिक पार्ट है वो जनरेट हुआ यानी कि जो के एन एच टू है वो यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है सो so, सॉल्वेंट में केटाइन पार्ट इंक्रीज हो रहा है या एनायनिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पे हम आराम से बता सकते हैं कि हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज एक एसिड है या बेस है इसी के आप और भी बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हो ठीक है एक लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन देख सकते हो एसओ टू जब ब्रेक डाउन होता है डिसोसिएट होकर इट गिव्स एसओ टू प्लस केटाइनिक पार्ट एंड एसओ थ्री टू माइनस एनाइनिक पार्ट सो जो एसो सीएल टू है जब वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिसोसिएट होता है इट गिव्स एसओ टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस क्योंकि एसओ टू प्लस थायोनिल आयन जनरेट हुआ कैटाइनिक पार्ट इंक्रीज हुआ दैट मीन्स एसोसियल टू इज एन एसिड इसी जगह पे जब हमने टू एसओ थ्री को डिसोसिएट किया लिक्विड में इट गेव एन एसओ थ्रीओ थ्री टू माइनस क्योंकि यहां पे सल्फाइट आयन जनरेट हुआ दैट मीनस कि एनाइनिक पार्ट इंक्रीज हुआ सो एन ए टू एसओ थ्री एट इज अ बेस सो सॉल्वेंट के बेसिस पे भी हम इजिली बता सकते हैं कि हमारा एसिड है या बेस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है सो दिस इज द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट सो आई होप कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन आई एल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट थैंक यू